इस दुनिया में पैसा वही कमाता है जो जो क्या करता है, जो रिस्क उठाता है। सिंपल है। और एक लास्ट चीज मैं शेयर मार्केट के लिए बताना चाहता हूं, वो आप ध्यान से सुनना, मेरी एक सवाल का सिंपल जवाब दे दो। लोगों के पास जब पैसा होता है तो लोग कहां लगाते हैं जनरली? फंडामेंटली अपने पापा को पूछो, पापा कहेंगे अच्छा पैसा है अपन जमीन खरीद लेते हैं, अच्छा पैसा है अपने फ्लैट ले लेते हैं, अच्छा पैसा है सोना खरीद लेते हैं। अच्छा जैसे ही फ्लैट जमीन या सोना खरीदते हो तो क्या तुरंत बेच देते हो क्या? क्या अगले दिन ही बेच दोगे क्या? हाँ सोना खरीद रहे हैं आज एक रुपए का फायदा हो रहा है बेच दो। नहीं, सोना अगर हम लोग खरीदते हैं तो तब तक संभाल के रखते हैं जब तक हमारी मजबूरी नहीं हो जाती। याद है मैं क्या बोल रहा हूं? घर पे अगर सोना आता है तो सोना आप तब तक नहीं बेचते जब घर पे बहुत ही बुरी वाली मजबूरी नहीं हो जाती। घर के लोग सोना नहीं बेचते, आपको पता है ना, इंडियन लोग सोना नहीं बेचते, इसको अशुभ माना जाता है, तो खरीद के रखते हैं हाँ अपने गले से लगा के। बस अगर ऐसा ही प्यार आप शेयर मार्केट को दोगे ना, आप सोचो कि मैं आपको बताता हूं, मतलब हमारे घर पे भी अगर 10-15 साल या 20 साल पहले किसी ने सोना खरीदा होगा, सोना कितना सस्ता था आपको पता है यार? मैंने खुद ने सोना देखा 5-6 हजार रुपए का 10 ग्राम, 5-6 हजार, आप कितने का? 48 हजार का 10 ग्राम है। जिसने आज 10-20 साल पहले सोना खरीदा होगा है ना, वो आज उसका सोना आज 48 हजार 10 ग्राम का हो गया, लेकिन तब भी नहीं बेच रहा। वो कब बेचेगा? जब मजबूरी होगी। ऐसे आप जब जो जमीन जायदाद खरीदते हो तो रुकते हो, कब बढ़ेंगे जमीन जायदाद के दाम? 5 साल बाद, 10 साल बाद देखेंगे, तब मजबूरी होगी तो बेचेंगे। अरे सेम चीज अप्लाई होती है शेयर मार्केट पर। आप जैसे सोना खरीद रहे हो, जैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, सेम वे से अच्छी कंपनी का शेयर खरीद लो। एक अच्छी कंपनी, फंडामेंटल कंपनी का शेयर खरीद लो जिसपे आपको बहुत भरोसा है। अच्छी फंडामेंटल कंपनी का रिसर्च कर लेना, उसके बाद उसको कलेजे से लगा के रखो, जैसे आपने सोना को लगा के रखा।